या ठिकाणी करणार आहोत एक अतिशय या नवखर गावातील भूमिपुत्र अर्थात हेमंत पाटील साहेबांचा। तर मी विनंती करतो शैलेशदा पाटील यांना की आपल्या सुबस्ते या ठिकाणी हेमंतदा पाटील सरांचा देखील स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करायचा। एक अतिशय जबरदस्त व्यक्तिमत्व या नवघर गावाला लाभलेले हेमंतजी पाटील साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केलं जात आहे। आदरणीय सन्मान शैलेशदा पाटील या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक यांच्या माध्यमातून स्वागत आणि सन्मान केलं जात आहे। थँक्यू सो मच दादा। तर मॅच कडे या ठिकाणी आपण जाणार आहोत। मॅच या ठिकाणी सुरू होत आहे। बॅटिंग साठी उतरलेले आहेत दोन धडाकेबाज फलंदाज जे जे स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून प्रशांत किनी मॅन फ्रॉम राई आणि त्यांना साथ देण्यासाठी त्यांची ओळख आहे मित्रांनो, त्यांच्याकडे अनुभवाचा भंडार आहे, एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर आणि ते एक्सपिरियन्स घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले जोनस। सुरुवात नक्कीच महिंदर पासून केली जोनसनी, त्यानंतर मोठमोठ्या बलाढ्य संघामध्ये नक्कीच दांडी पापडी या संघामध्ये खेळताना पाहायला भेटला, त्यानंतर आज स्वतः आपल्या गावासाठी नाही तर आपल्या नावासाठी आणि आपल्या टीमच्या कामगिरीसाठी दाखल झालाय मॅचमध्ये खेळण्यासाठी जोनस डिसूजा। विनोजी एक बार फिर से पिछले मुकाबले की अगर हम बात कर लें, बिल्कुल बहुत ही नजदीकी मामला था और जिस तरह की से हमने देखा कि जो दर्शक जहां थे उन्होंने अपनी कुर्सी अपनी जगह तक नहीं छोड़ी, अंतिम गेंद तक वो मुकाबला गया और हमने ये भी देखा कि कंधारी किंग्स से कुछ खिलाड़ियों के आंखों में आंसू भी आ गए। क्यों और क्यों ना हो, क्योंकि इतनी जद्दोजहद इतनी मेहनत के बाद बिल्कुल करीब पहुँचते पहुँचते रह गए और क्यों ना हो। और वो लम्हा याद आ गया मुझे जब यूं कहा जाए कि दक्षिण अफ्रीका के 360 डिग्री वाले व्यक्ति और एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व के खिलाड़ी डी विलर्स के आंखों में आंसू आ गया था वर्ल्ड कप के दौरान, वही आंसू मैंने आज कंधारी किंग्स के कुछ खिलाड़ियों के आंखों में देखा। और यही कहा जाता है ना कि अंतिम गेंद पर बड़े प्रहार हो सकते हैं लेकिन अंतिम गेंद पर एक रन बना पाना बहुत ही कठिन होता है और वही हुआ यहाँ पर। कप्तान काफी लंबे समय के बाद स्ट्राइक पर आए, दबाव उनके ऊपर था, एक गेंद थी उसे वो खेल सकते थे इनसाइड आउट, लेकिन दबाव क्या होता है, सिंगल दिमाग के कोने में सिंगल, यस अंपायर का इशारा आता हुआ और वो एक इतिहास बन गया। चलिए अब दूसरा मैच सुपर सिक्स का रॉयल स्टनर बी विरुद्ध जेजे स्पोर्ट्स के बीच में खेला जा रहा है। रॉयल स्टनर के कप्तान ने टॉस जीता और क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। चेतन राउत मैन फ्रॉम मोरवा बॉलिंग ट्रैक पर यहाँ पर सज्ज होते हुए एक बेहतरीन लेफ्ट हैंड गोलंदाज है। लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट से पहली गेंद यहाँ पर फेंकने के लिए तैयार प्रशांत किनी के लिए, अच्छा फुटवर्क का इस्तेमाल किया है और डायरेक्ट विकेट की चाहत मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे यहाँ पर चेतन राउत की, थोड़ा सा तेजी के साथ थ्रो आएगा लेकिन आमिर दाफेजा थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए थ्रो फेंकने के लिए। एक सिंगल रन से शुरुआत हुई यहाँ पर, अगर प्रशांत किनी और अजय पाटिल पूरे इनिंग में 3 सिक्सर कैसे भी लगाते हैं तो अनिकेत एंडी इनकी तरफ से 300 रुपीज कैश प्राइज दिया जाएगा। और फिर से एक बार चेतन राउत अनुभव और सामने भी अनुभव, बेस्ट वर्सेस बेस्ट कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा। शॉर्ट पिच गेंद यहाँ पर नटराज स्टाइल में खेल दिया है इनटू द गैप, गेंद जाती हुई दंदनाती बाउंड्री लाइन के बाहर, ये लगता हुआ बादशाह प्रीमियर लीग का दंदनाता चौका। डीजे इनके तरफ से सचिन जी डोंगरे सर इनके तरफ से आर्थिक सहकार्य इस टूर्नामेंट को यहां पर देते हुए तहे दिल से शुक्रिया सर आपका। और फिर से एक बार चेतन राउत की गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे, सामने जोनस एक हाफ ट्रैकर गेंद थी उसके ऊपर बड़ा वाला प्रहार किया, फिर से एक बार चेतन तैयार। फुलर लेन की गेंद यहाँ पर इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, फुटवर्क का काफी बेहतरीन इस्तेमाल किया था लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। चेतन की अगर पिछली गेंद की बात की जाए सर तो हाफ ट्रैकर गेंद थी और इस वक्त यहाँ पर फुटवर्क को स्टांस को रीड कर लिया बल्लेबाज के और परफेक्ट यॉर्कर जिसे कहा जाता है ना ऑफ साइड में वो लाइन को यहाँ पर पकड़ा और एक सफल गेंदबाज के रूप में एक डॉट गेंद फेंकी यहाँ पर, एक बिंदी गेंद आती हुई, फिर से एक बार तैयार चेतन। फुलर लेन की गेंद थी यहाँ पर, कोई मौका नहीं, दर्शक बने खिलाड़ी, खिलाड़ी बने दर्शक, यहाँ पर आता हुआ ये दंदनाता हुआ 4 रन जोनस के बल्ले से। जहां पर ताकत थी लेकिन इस
स्ट्रोक में नजाकत थी दोस्तों, नजाकत भरा ये बाउंड्री देखने मिलता हुआ। बादशाह प्रीमियर लीग का ये इस इनिंग का दूसरा बाउंड्री लगता हुआ। फिर एक बार चेतन तैयार होंगे लेफ्ट हैंड राउंड विकेट से जोनस के लिए, और फुरल रन की गेंद लेकिन खोदकर उसे खेल दिया है शॉर्ट मिड विकेट से खिलाड़ी में। डैनिश वहां पर है, एक सिंगल रन और थोड़ी सी गलती हुई। और क्रिकेट में जिस प्रकार कहा जाता है ना दोस्तों, चुकीला माफी नहीं आणि चुकी झाली, आणि जिकडे सिंगल होती तिकडे दोन धावा आले, दो रन आता हुआ। इस दो रन की मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है टोटल 1-1-11। एक अच्छा समाचार यहाँ पर लेते हुए जोनस चेतन राउत का, हालांकि दोनों ही खिलाड़ी एक ही टीम से खेलते थे ओपन में, लेकिन आज आमने सामने रॉयल स्टनर और जेटे स्पोर्ट्स की तरफ से। यहाँ पर अच्छी गेंद थी, अच्छा ग्लांस किया है, देखना होगा। गेंद बाउंड्री लाइन के पास आती हुई और यहाँ पर दर्शक वहां पर दर्शाते हुए, यस दिस इज अ फोर, ब्यूटीफुल टाइमिंग बाय जोनस। और ये आता हुआ फिर से एक और बाउंड्री, और इस चार रन की मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है टोटल एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन। एक बेहतरीन, एक सफल और एक ड्रीम स्टार्ट कहा जाएगा यहाँ पर जेजे स्पोर्ट्स के तरफ से। एक्शन रिप्ले हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस तरह की गेंद लो फुल टॉस के जरिए मोड़ा जरूर था, लेकिन अंत समय पर वहां पर चौका, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ग्राउंड में भी देखने को मिला, और निश्चित ही रूप से वो वेलकम बाउंड्री भी कही जा सकती है जे स्पोर्ट्स जो इस समय बल्लेबाजी कर रही है। और टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए निमंत्रण दिया गया था जे स्पोर्ट्स को। पहला ओवर समाप्त होने के बाद बिना किसी नुकसान के 15 रन, प्रशांत वहीं एक गेंद का सामना करते हुए एक रन पर साथ निभा रहे हैं, और जोनस खेल रहे हैं 5 गेंदों का सामना करते हुए 14 रनों पर। पहले मैच के मोमेंट ऑफ द मैच जरूर बने राहुल यादव, क्या थ्रो फेंका विकेट को लेने के बाद, उनका जो सेलिब्रेशन था ना वो डेफिनेटली काफी अच्छा था। लेकिन एक मैं कहूंगा, उबैद खान ने बहुत बड़ी गलती की थी। उबैद खान ने गलती ये की थी कि उनके पास एक एक्सपीरियंस गेंदबाज थे उमेश वाघ, उनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए था। उमेश वाघ को उन्होंने बॉलिंग के ट्रैक पर नहीं दिया और कामयाबी, हालांकि जीत का जश्न मनाने का मौका राहुल यादव ने दिया टीम को। मैच की ओर जाएंगे, गेंदबाजी के लिए आए हैं इजहार खान बाबू, इस नाम से प्रसिद्ध है टेनिस क्रिकेट में, और सामने है प्रशांत किनी। पहली गेंद हाफ टैकन गेंद यहाँ पर पुल किया है, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद यहाँ पर गिरती हुई नो मैन्स लैंड में। एक सिंगल रन और सिंगल को डबल में, और डबल लेते लेते गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। ये लगता हुआ बादशाह प्रीमियर लीग का दंडन आता है चौका। डीजे संडे का दिन, फंडे का दिन, इंजॉय का दिन, मजा करने का दिन, मनोरंजन करने का दिन, और यहाँ पर क्रिकेट के माध्यम से जुगलबंदी होती हुई, क्या दर्शक यहाँ पर फिर इंजॉय करते हुए। हालांकि एक ऐतिहासिक मैदान है नौघर का, ये शानदार और लाजवाब मैदान है, और इस मैदान में ये मुकाबला चलता हुआ काफ़ी ज़बरदस्त। हालांकि बल्लेबाज को रूम दे रहे हैं गेंदबाज, और रूम देंगे तो बाउंड्री ज़रूर मिलेगी। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल अब, लेकिन अच्छा ब्लैक स्विप का यहाँ पर बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया मयूर पाटिल वहाँ पर एक बेहतरीन फील्डिंग करते हुए। हालांकि बल्लेबाज भी राई के हैं और मयूर पाटिल भी राई के हैं, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग रही। 2 रन अपने टीम के लिए जरूर बचाए हैं, और 2 रन की मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुँचा है टोटल 21 रन। हालांकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन है ना सर, वो काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पर प्रशांत गिनी का। बॉटम हैंड से गेंद को यहाँ पर केवल दिशा दी और केवल फ्लिक किया, और 2 रन यहाँ पर बटोरा है। खिलाड़ी को यहाँ पर मौका नहीं किसी प्रकार का कैच लेने के लिए। फिर से एक बार इजहार तैयार, हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल करना चाहते थे, प्रॉपर टाइमिंग नहीं हुआ। वहां पर खिलाड़ी बड़ू आते हुए एक बेहतरीन कैच पकड़ते हुए, और फर्स्ट ब्रेक थ्रू यहाँ पर मिलती हुई रॉयल स्टनर बी टीम को, और वो सफलता अपने नाम कराते हुए इजहार खान, और कैच पकड़ा है इस वक्त चेतन शर्मा उर्फ बड़ू, वेल कॉट, और पहला धक्का लगता हुआ। कम ऑन डीजे, थैंक यू सो मच। और हमारे बीच यहाँ पर एक ऐसे व्यक्तिमत्व जिनका हम हमेशा उल्लेख करते हैं दोस्तों, जिनके हमेशा सर पर बर्फ होता है और मुंह में हमेशा शक्कर, ऐसे वाणी के राजा धनी
प्रमोद जी चिंचोलकर जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। विनोद जी मैं आपको रोक रहा, हमारे बीच में लेजेंड खिलाड़ी यहां पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय राजू पाटिल जी से भी निवेदन करूंगा कि सबसे पहले लेजेंड प्लेयर नोवेल सल्डाना जी का यहां पर एक स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। नोवेल सल्डाना जी, आज के दिनों में दोस्तों क्रिकेट को बहुत ज्यादा ग्लैमर मिल चुके हैं, यूट्यूब हर कहीं जहाँ भी टूर्नामेंट हो, बड़े छोटी टूर्नामेंट हो, बड़ी टूर्नामेंट हो, यूट्यूब के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग जरूर दिखाई जाती है। और अगर पिछले जमाने में अगर सर लाइव होता ना तो आज भी लोग इनके वीडियोस आए, जो बैटिंग है, स्टांस है, बॉलिंग है, वो आज भी देखकर रीड करते कुछ ना कुछ। और यहाँ पर अच्छी गेंद केवल सम्मान किया पॉइंट रिजन में, एक सिंगल रन और सिंगल यहाँ पर कन्वर्ट होती हुई डबल में दो रन दर्शाते हुए उदय पाटिल एक लाजवाब अंपायरिंग की भूमिका अदा करते हुए। हालांकि मौका मिला था आज उदय पाटिल को फिर से एक बार निखरने का, जीतू पैकर्स टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया लेकिन टीम हारी और अपना जो वर्कआउट है वो यहाँ पर उनको दिखाना है, अपना कंट्रीब्यूशन, अपने गांव के लिए मैच है, अपने होम ग्राउंड पे मुकाबला है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है, भले ही बैटिंग से ना हो, बल्ले से ना हो, लेकिन अंपायरिंग की भूमिका में तारीफ करनी पड़ेगी उदय पाटिल सर की भी। और थैंक यू सो मच सचिन डोंगरे सर, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया बादशाह प्रीमियर लीग की तरफ से। फिर से एक बार बाबू तैयार जोनस के लिए अगली गेंद, हाफ टैकर गेंद थी, वहां पर कट करना चाहते थे पॉइंटर कवर के रीजन में लेकिन फिर से एक बार बैट का भारी किनारा लगा, गेंद गई इस वक्त डबल डिक्लेयर जोन में, दो रन आता हुआ, इस दो रन की मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है टोटल 25 रन। हालांकि शुरुआत अच्छी है सर, 1.5 ओवर का गेम हो चुका है, 25 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं, क्या कहना चाहोगे अब तक का ये सिचुएशन देखकर? बिल्कुल अच्छी शुरुआत मिली हुई है और औसत को भी अगर हम देख लें तो तकरीबन ये 13 रन के लगभग रनों का औसत चल रहा है और किसी भी टीम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत कही जा सकती है। बाबू की ये फुल टॉस गेंद कहीं ना कहीं अपील भी होती हुई, ये एक यूं कहा जाए कि एक लॉलीपॉप डिलीवरी थी, जिस गेंद पर बड़े स्ट्रोक को खेला जाता था उस गेंद पर एक विकेट मिल गई और एक बड़ी मछली यहाँ पर जाल में फंसी। LBW आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे हैं जोनस, निराश है, नाखुश है, क्योंकि गेंद जो थी विपरीत स्थिति में इस गेंद का यहां पर सफलता मिलता हुआ इसरार खान को, आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में इसरार, बिल्कुल वही बात हम कह रहे थे, स्टंप के एकदम करीब पाए गए थे, मिडल स्टंप जो हॉकी हमको बताते हुए कि मिडल स्टंप की गिल्लियां बिखर जाती थी, फुल टॉस गेंद थी। हर्ष इस गेंद का यही होना चाहिए था कि यह गेंद स्क्वायर लेग बाउंड लाइन या मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर जा सकती थी लेकिन यहां पर चूके और नतीजा विकेट मिलता हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्तों किस्मत आपको मौका देती है और आपका खेल जो है ना लोगों को चौंका देता है और यहाँ पर चौंका दिया है बाबू ने, क्या गेंद थी यहाँ पर, फ्लाइटेड गेंद डाली थी, एक फिंगर को रोल किया था, रोल करने के बाद हालांकि टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुआ, बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, डायरेक्ट पैड पर गेंद लगी और अंपायर उदय पाटिल का फिंगर अब हुआ और जोनस डिसूजा को जाना पड़ेगा डगआउट में। एक बड़ा धक्का लगता हुआ जेजे स्पोर्ट्स टीम को लेकिन एक और शानदार और बेहतरीन बल्लेबाज विक्टर के बीच यहाँ पर उतरता हुआ गिरीश बोरा, एक बड़ा नाम महिंदर बॉयज के लिए हमने काफ़ी मरतबा देखा है, नवीन मुंबई ट्राइडेंट्स टीम के लिए खेलते हुए देखा है और बड़े बड़े ओपन के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए गिरीश बोरा को हमने देखा है लेकिन आज यहां पर देखना होगा, आज एज अ आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं जेजे स्पोर्ट्स टीम के लिए, आज वो परफॉर्मेंस उस प्रकार का यहां पर दिखाना पड़ेगा। शॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे, हालांकि एक भी बॉल अब तक फेस नहीं किए हैं और गेंदबाजी में होता हुआ परिवर्तन, ओवर नंबर 3 लेकर आए हैं, थर्ड ओवर लेके गेंदबाज लकी आए हैं, लकी के आप में टीम के लक फैक्टर ऑन करेंगे रॉयल चंदर बी के लिए, हालांकि रॉयल चंदर ए टीम ऑलरेडी टॉप 3 में क्वालिफाई कर चुकी है, कंधारी किंग्स को यहां पर हराया है पहले मुकाबले में और देखना होगा अब टॉप 3 के लिए सेकंड टीम कौन सी दावेदार होगी। गेंदबाजी के लिए आए हैं लकी, शॉन स्ट्राइक एंड पर, नॉन सेकंड पर गिरीश, लकी की ओवर की पहली गेंद अपील हुई, उछले जरूर थे, उत्साह में है, विश्वास है कि नहीं इस अपील में अंपायर ने नकारा, अच्छी गेंद थी, पहली गेंद बिल्कुल सही ठिकाने पर और सही इलाके में पिच करते हुए। सर हमने अब तक जितने भी लेफ्ट हैंड गेंदबाज देखे ना गेंद को फिंगर को रोल करते हैं और गिरने के बाद टिप्पा गिरने के बाद एक एंगल क्रिएट करते हैं और वो एंगल में जरूर यहाँ पर बल्लेबाज फंसते हुए बीट करते हुए बल्लेबाज को और अपील यहाँ पर आमिर दाफेदार का था लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं है एक्शन रिप्ले में।
चलिए हम जो यहाँ पर अब सत्कार समारोह है, नोएल सल्डाना जी को हम निवेदन करेंगे कि वो आए और राजू पाटिल जी उनका सत्कार करते हुए, भूपेंद्र पाटिल जी उनका सत्कार करते हुए इस बीच ओवर की अगली गेंद, पटकी भी गेंद, देखते ही गेंद बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और स्वागत भी हो रहा है यहाँ पर हमारे लीजेंड प्लेयर का सिक्सर के सहारे। भूपेंद्र पाटिल जी स्वागत करते हुए लेजेंड प्लेयर नोएल सल्डाना जी से मैं निवेदन करूंगा। नोएल सल्डाना जी इनका यहां पर स्वागत होता हुआ भूपेंद्र पाटिल जी के हाथों से। लेजेंड प्लेयर, जब लेजेंड वर्ड यूज हो जाता है तो अपने आप में काफी चीज बयां हो जाती है। पांडे जी एक न्यूज देना चाहूंगा आपको, इंडिया और वर्सेस साउथ अफ्रीका जो वुमेन्स मुकाबला शुरू है ना, उसमें जस्ट इंडिया की टीम क्वालिफाई करने के लिए कुछ दूर है, बस एक बॉल में 3 रनों की आवश्यकता साउथ अफ्रीका टीम को। क्या वुमेन्स की टीम अपने भारत का जश्न मनाने का मौका, अपने जीत का परचम लहराएगी? बिल्कुल। अब मैं कैलाश पाटिल जी से भी निवेदन करूंगा, आरके मोरवा के ये खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद, देखना एम्पायर का निर्णय क्या आता है। और दोनों ही लेजेंड का यहाँ पर स्वागत, पहले लेजेंड का स्वागत सिक्सर से और दूसरे लेजेंड कैलाश पाटिल जी का स्वागत चौके के सहारे। दोस्तों कैलाश पाटिल एक ऐसा नाम है जिन्होंने टेनिस क्रिकेट को मोरवा के लिए एक अलग ही नकाशे पर उतारा। हालांकि दौड़कर जाते थे 38 सर्कल तक, वहां पर गेंद को पकड़ के डायरेक्ट स्टंप पर फेंकते थे। ये रिकॉर्ड है कैलाश दादा पाटिल का, एक बेहतरीन शानदार ऑलराउंडर के रूप में जाने और पहचाने जाते थे। मोरवा गांव के लिए हमेशा खेला है। बिल्कुल, कैलाश पाटिल जी की वो गेंद अभी भी जहन में रहती है। तब चाहे वो MBBL का वो पहला संस्करण बाला स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान पर क्यों ना खेला गया रहे, या आरके मोरवा पे खेला गया, जो भी मुकाबला रहे, कैलाश पाटिल जी अपने ही अंदाज में गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ बल्लेबाजी के लिए अभी भी वो खेल से जुड़े हुए हैं। मास्टर्स उन्हें देखा जा सकता है, मास्टर्स का जब भी खेल होता है तो वो एक्शन में रहते हैं। फिलहाल स्कोर पहुंच चुका है 36, 2 विकेटों के नुकसान पर। ये ओवर की अगली गेंद, इस बार एक और लाजवाब बेहतरीन दमदार जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। गेंद थी यहाँ पर स्लॉट में, उसको पार किया डायरेक्ट पार्किंग लॉट में, दमदार असरदार सिक्सर। 191 यानी कि 191 अब तक कुल मिलाकर सिक्सर यहां पर लग चुके हैं बादशाह प्रीमियर लीग सीजन 1/20/22 में। और क्या लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है, बल्लेबाज हैं शॉन, उन्होंने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की, केवल 4 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन बनाए। और यहीं से अगर हम बात करें गेंदबाज लकी, जो अब तक 3 गेंदों पर 17 रन दे चुके हैं, उभरना होगा इन्हें इन दबाव से, दबाव पर आ चुके हैं, दबाव इनके ऊपर साफ तौर पर दिख रहा है, दबाव से उभरना होगा, वापसी कर पाएंगे, ये वापसी इन्हें करना होगा हर हाल में। पलटवार करने की आवश्यकता है यहाँ पर, शॉन इनफॉर्म खिलाड़ी है, सब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए एक दो बड़े स्ट्रोक लगने के बाद इस ओवर में एक सिंगल भी यहां पर लिया है। और सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए और इस वक्त मुन्ना को अर्थात गिरीश बोरा को इस वक्त स्ट्राइक पर इनवाइट किया है। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर टोटल 43 रन, 2 सफलता अपने नाम यहां पर कर चुके हैं टीम रॉयल चैलेंजर बी। लेकिन अब एक इस पारी को, इस जो पार्टनरशिप हो रही है, इस पार्टनरशिप को यहां पर कहीं तो कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास होगा इस गेंदबाज के माध्यम से। लेकिन देखना होगा इस पारी, पहला विकेट गिरा था 21 रन पे, इसके बाद दूसरा विकेट डायरेक्ट 25 है। और अब अच्छी पार्टनरशिप यहां पर बिल्डअप करते हुए जेजे स्पोर्ट्स के दोनों ही बल्लेबाज। बिल्कुल, पारी को ना कि सजानी होगी और सवारनी भी होगी, यान नो बॉल का इशारा आया, 1 रन दौड़कर पूर्ण कर लिया गया है। और अब वेस्ट हाइट, जब कमर के ऊपर गेंद जाती है बीमर के जरिए, तो उसे नो बॉल करार दिया जाता है। यहाँ स्कोलेग एम्पायर ने उसे नो बॉल घोषित किया, 1 रन दौड़ कर लिए और नो बॉल का एक, यानी कुल मिलाकर टीम की रन संख्या में 2 एड ऑन होता हुआ 45 रन हो चला है स्कोर बोर्ड पर स्कोर। अच्छा, इस टूर्नामेंट की ये खासियत है, यहाँ नियम जो है कि अगर 2 बीमर गेंदबाज कर लेता है तो उसे अब आगे ओवर करने की डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उन्हें गेंदबाजी करने नहीं दी जाएगी।
अब देखना है कि उनके बचे हुए जो शेष दो गेंदे हैं वो दो गेंद करने के लिए कौन से गेंदबाज आते हैं। फिलहाल इस समय स्कोर है 45 दो विकेटों के नुकसान पर 2.4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब नए ओवर नए गेंदबाज आए हैं। जरूर लकी बट नॉट लकी फॉर द रॉयल स्टनर बी। और गेंदबाजी के लिए आए इस वक्त प्रवीण शर्मा बड़ू, इस नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। यहाँ पर गलतियां कोई और की, उसका भुगतान करने के लिए कोई और आए हैं। दो गेंदों का खेल यहाँ से बाकी है इस ओवर का, और दो गेंदे फेंकने के लिए आए हैं इस वक्त प्रवीण बड़ू गेंदबाजी के लिए। हालांकि फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए गेंदबाज भी हुए हैं चेंज, तो लेकिन गेंद यहां पर जरूर रहेगी फ्री हिट की। और फिर से एक बार बॉलर तैयार होते हुए प्रवीण सामने हैं। शॉन जिनका बल्ला जरूर यहां पर बोलता हुआ, 5 गेंदों पर 17 रन ठोके अब तक। अच्छी गेंद यहां पर खेला चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन गेंद गई यहां पर ऑन साइड में। वहां पर शोएब है, कोई गलती नहीं करेंगे। एक सिंगल रन यहां पर आता हुआ, एक सिंगल की मदद से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है टोटल 46 रन पर। हालांकि एक गेंद का खेल यहां से बाकी है, एक अच्छे लय में और एक अच्छे सम्मानपूर्वक स्कोर में यहाँ पर जेजे स्पोर्ट्स दिखाई देते हुए इस ओवर में काफी रन आते हुए दिखाई दिए लकी की तरफ से। इस वक्त यहाँ पर देखना होगा एक बेहतरीन गेंद, गेंद को यहाँ पर छोड़ा, बहुत बड़ी गलती की यहाँ पर मैं कहूँगा गिरीश बोरा ने। और इन द लाइन यहाँ पर पिचिंग रही, काफी बेहतरीन यहाँ पर पिचिंग रही बड़ू की तरफ से। ओवर की हुई है समाप्ति यहाँ पर, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 46। एक अच्छे स्थिति में यहाँ पर दिखाई देते हुए जेजे स्पोर्ट्स बाइंदर वेस्ट की टीम। आयुष पाटिल और सोनिया आपसे निवेदन है कि आप स्टेज पर आना है, आपका स्वागत है। पंडित जी अगर बात की जाए 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 46 रन यहां पर बने हैं। अब आने वाले 2 ओवर में आप कितना लक्ष्य यहां से सोच रहे हो कि कितना टारगेट बन सकता है? देखिए 2 ओवर शेष बचे हैं, 2 ओवरों में तकरीबन मैं यूं कह सकता हूं कि 25 प्लस का यहां पर कोशिश करनी होगी जेजे स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को। क्योंकि अगर मैं 25 रन इसलिए कहा कि 25 प्लस, अगर 25 बनता है तो उनके पास 71 रन का टारगेट आ जाता, क्योंकि ये भली बात ही जानते हैं जेजे स्पोर्ट्स रॉयल स्टनर इस समय बी टीम खेल रही है। बी टीम में भी वो डेप्थ है बल्लेबाजी की, आमिर जो इस समय कमेंट्री बॉक्स के समक्ष है, इसरार खान है, हम देख रहे हैं जुनेद है जो बिल्कुल डाउन द लाइन आकर बड़े स्ट्रोक को खेलते हैं, और कहीं ना कहीं शोएब पवार, अगर इन्हें भी बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया तो ये भी बड़े स्ट्रोक्स को खेलते हैं। चेतन एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पर, चेतन की गेंद इस बार उठाकर खेल दिया, हवा में है, खिलाड़ी उस ओर मौजूद, और इस दरमियान पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई। थैंक यू। और यहां पर एक अच्छा कैच और एक ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी। उस एक्सपीरियंस इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनको पता है कि किस प्रकार की गेंदे यहाँ पर फेंकनी है और कैसे यहाँ पर रिलीज करनी है गेंदे। और एक बड़ा विकेट यहाँ पर लेते हुए शॉन को भेजा है डगआउट में। न्यू मैन इन डीजे हैरी, इस नाम से जाने जाते हैं, हरीश उतरे हैं बैटिंग के लिए। एक आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर इस मीरा भाईंदर की नगरी में, लेकिन देखना होगा आज मौका मिला है जेजे स्पोर्ट्स की तरफ से खेलने के लिए। और अब टोटल 11 गेंदों का खेल यहाँ से बाकी है, उनका साथ देने के लिए जरूर गिरीश हैं विकेटों के बीच। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर टोटल 46। आते ही आपने अपने चमत्कार को नमस्कार कर दिया चेतन राउत ने, पहले ही बॉल पर विकेट अपने नाम करते हुए। फिर से एक बार चेतन तैयार गिरीश के लिए, फिर से एक बार एक लाजवाब डिलीवरी, लाजवाब बॉल यहाँ पर। हालांकि एक माइंड सेट कर लिया चेतन राउत जी ने एक माइंड सेट कर लिया यहाँ पर कि मुझे केवल और केवल वाइट और जो बल्लेबाज खड़ा है ना उसके बीच में गेंदे फेंकनी है, डायरेक्ट फुलर लेन की गेंदे। और वाइट यॉर्कर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और बेहतरीन यहाँ पर, हालांकि वाइट यॉर्कर फेंकने के लिए आपके पास पोटेंशियल, आपके पास थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर चाहिए, और एक्स्ट्रा एनर्जी पूरा यहाँ पर लगाते हुए, दमखम लगाते हुए चेतन। फिर से अगली गेंद, फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर, और एक बड़ा वाला प्रहार यहाँ पर कहा जाएगा इस गेंद के ऊपर, दमदार सिक्सर आता हुआ बादशाह प्रीमियर लीग का ये दंदनाता सिक्सर। बेहतरीन गेंद यहां पर थी, लेकिन
हालांकि फुल टॉस रही गेंद और उसके ऊपर अच्छा टाइमिंग किया, देख सकते हो जिस प्रकार यहां पर ताकत झोंक दी इस स्ट्रोक में और गेंद को डायरेक्टली फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। खिलाड़ी केवल बने दर्शक और दर्शक बने यहां पर खिलाड़ी और 6 रन आता हुआ, इस 6 रन की मदद से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 52 रन पर। हालांकि अच्छी गेंदें दो रही चेतन राउत की तरफ से, लेकिन तीसरी गेंद खराब और उसका पूरा समाचार यहाँ पर गिरीश ने लिया है। फिर से एक बार बॉलिंग ट्रैक पर तैयार, फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर उड़ान चाहते थे, सीधे बल्ले से यहाँ पर खेला है, वहां पर शोएब पवार आते हुए एक सिंगल रन पूरा करते हुए और एक सिंगल की मदद से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है टोटल 53 रन। एक अच्छी वापसी यहाँ पर कही जाएगी, हालांकि एक फुल टॉस गेंद थी, उसके बाद एक बेहतरीन यॉर्कर गेंद यहाँ पर फेंकी है। अब स्ट्राइक गेंद पर है डीजे हारी चेतन, की अगली गेंद फेस करने के लिए तैयार। बॉल को इस वक्त उड़ाना चाहते थे, लेकिन ये देखना होगा बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, पिच के गहराइयों का इस्तेमाल करते हुए हरी, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, खेलना चाहते थे ऑफसाइड में, बैट और बॉल का कोई संपर्क यहां पर नहीं जुड़ा है, तालमेल नहीं जुड़ा है, बॉल हुआ है डॉट, रन संख्या 53 रन। चेतन इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर हरी के लिए, इस वक्त उड़ाना चाहते थे, प्रॉपर टाइमिंग नहीं हुआ है, बॉल हवा में डाउन द बॉल, यहाँ पर अमीर दाफेदार एक बेहतरीन कैच यहाँ पर पकड़ते हुए एक और विकेट चेतन राउत के नाम। सबसे महंगा ओवर लकी का रहा थर्ड ओवर रॉयल चैलेंजर्स टीम के माध्यम से और उसमें ज्यादा से ज्यादा रन बटोरते हुए दिखाई दी जेजे स्पोर्ट्स, और इस ओवर में जरूर मैं कहूंगा चेतन राउत ने वापसी कराई है और कहीं ना कहीं कैलाश पाटिल खुश होंगे क्योंकि चेतन राउत ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की केवल 7 रन यहां पर दिए इस ओवर में और एक सफल ओवर के रूप में यहां पर फिनिश किया अपना स्पेल, 2 ओवर का स्पेल समाप्त किया है चेतन राउत ने और 2 सफलता अपने नाम और 22 रन यहां पर खर्च किए हैं। एक अच्छा ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ रॉयल चैलेंजर टीम के मद्देनजर से, लेकिन यहां पर देखना होगा आखिरी चेतन, यस हमारे टीसीपी के करता था टीसीपी के आधार स्तंभ टीसीपी के ओनर आदरणीय सम्माननीय महेंद्र सर यहां पर बता रहे हैं कि चेतन राउत का जो स्पेल है ना वो केवल 2 आंकड़ों में है, 2 ओवर 22 रन 2-2 और 2 विकेट, 4 खानों में केवल 2 और 2 और 2 अक्षर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, टोटल 4 ओवर की समाप्ति का रन बने हैं 43 और D2 के प्लेयर ऑफ द डे खिलाड़ी उतरे हैं श्याम गुप्ता, हालांकि काफी देर से उतरे बैटिंग करने के लिए, हेलीकॉप्टर इनकी खासियत है। चार ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, वहीं गिरीश बोरा खेल रहे हैं 8 रनों पर और श्याम गुप्ता खेल अभी आए हैं। शोएब पवार ये है गेंदबाज और ये गेंदबाज के साथ एक लाइन जुड़ जाती है, रफ्तार के सौदागर शोएब पवार, रफ्तार के सौदागर, रफ्तार के साथ शुरुआत करते हैं और रफ्तार पर ही समाप्ति करते हैं, ये इनकी एक खासियत है। कल इन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, यूं कहें अपने टीम को अपनी गेंदबाजी के दमखम पर इन्होंने विजय द्वार तक पहुंचाया था। शोएब पवार की ये गेंद, पहली गेंद और या मिस टाइम स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं, पहली गेंद पर सफलता, आत्मविश्वास यहाँ पर जरूर मैं कहूंगा बढ़ेगा। पहली गेंद पर यहाँ पर प्रॉमिसिंग फटका नहीं, प्रॉपर टाइमिंग यहाँ पर नहीं हुआ श्याम गुप्ता का और उनको आना पड़ेगा डगआउट में। आते ही आते शोएब ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, पहली सफलता अपने नाम यहाँ पर करते हुए, एक बेहतरीन गेंदबाज है जिस प्रकार सर ने कहा कि ये एक रफ्तार के सौदागर है, मीरा रोड से हमेशा खेलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज यहाँ पर फिर से एक बार रॉयल चैलेंजर बी के लिए खेल रहे हैं, एक अच्छा स्पेल की शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं। नए बल्लेबाज उतरे हैं शरद शेट्टी, हालांकि शरद शेट्टी की बात की जाए दोस्तों वो दौर कौन भूल सकता है, 2005 से लेकर 2015 तक का दौर, 2010-12 में आए और अपने बल्लेबाजी के माध्यम से वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर ऑफ मीरा भाईंदर का मैं कहूंगा उस दौर में थे और लाजवाब बैटिंग के लिए जाने और पहचाने जाते थे, कैप्टन कूल के रूप में थे भाईंदर बॉयज टीम के लिए, लेकिन आज फिर से एक बार क्रिकेट में उम्र कोई दोस्तों मायने नहीं करती, आपका परफॉर्मेंस आपका बल्ला अगर चलता है तो आप कौन से भी उम्र तक क्रिकेट खेल सकते हो। बिल्कुल, देखिए अगर आप जिस तरह से शरद शेट्टी का बयान कर रहे थे या यूं कहा जाए फ्यूचर ग्रुप के लिए ये खिलाड़ी लेदर क्रिकेट का भी अनुभव इस खिलाड़ी के पास, फुल टॉस गेंद और इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाद 6 रनों के लिए।
भी जाए तो गेंद फेंकना चाहते थे सर, लेकिन गेंद यहाँ पर फुल टॉस बनी और फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दमदार सिक्सर यहाँ पर देखने मिलता हुआ गिरीश वोरा के बल्ले से। हालांकि गिरीश की बात की जाए तो अब तक 6 गेंदें फेस की है और 6 गेंदों में रन बटोर हैं अपनी टीम के लिए 14 रन और उसमें 2 बड़े ब्लास्ट देखने मिले। 2 सिक्सर के साथ टीम की पारी को संभालते हुए रन संख्या बने हैं टोटल 59 रन 59 विकेटों के नुकसान पर। और जिस तरह से आपने बात की कि किसी भी खिलाड़ी का बैट पैच अगर चल रहा है तो ऐसे खिलाड़ी को केवल एक बेहतरीन इनिंग की आवश्यकता होती है और तुरंत वो अपनी फॉर्म में आ जाता है शोएब पवार। ये और क्या, अगली गेंद फिर से पटकी हुई गेंद, क्या जबरदस्त अंदाज में स्ट्रोक को खेला, लेकिन गेंद ऊंची उठी है, वहां पर खिलाड़ी 2 खिलाड़ी कॉलिंग में शायद कमी और कहीं ना कहीं जुनेद अंत समय पर उस कैच को लपकना चाहते थे, कैच छूटा, 2 रन वहां पर मिलता हुआ एक बड़ा प्रहार की तरफ बढ़ चले हैं गिरीश बोरा। देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरह से उस कैच को लपकना चाहते थे, जरूर टक्कर यहां पर हुई है इसीलिए कहा जाता है कॉलिंग की कमी। विनोद जी मैंने कहा ना कि कॉलिंग की कमी, बिल्कुल आसान सा था उस खिलाड़ी के पास और कहीं ना कहीं जुनेद उस छोर पर आ गए, उस एंड पर आ गए और मुझे लगता है कि कॉलिंग की कमी रही होगी और नतीजा वहां पर वो कैच छूटा। इसीलिए कहा जाता है ना ताश का जोकर और अपने का ठोकर हमेशा गेम बदल देता है और यहाँ से गेम बदलेगा क्या देखना होगा क्योंकि जीवन दान मिला है यहाँ पर गिरीश बोरा को। 61 रन 5 विकेटों के नुकसान पर जे स्पोर्ट्स इस समय एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ चली है, लेकिन 3 गेंदे और आनी बाकी, 3 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं। शोएब पवार अब तक 8 रन खर्च कर चुके हैं, एक सफलता हासिल की हुई है। वहीं पर अगर बाएं हाथ के हम गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी की बात करते हैं तो हमारे पीछे आमिर शेख बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और जैसे कहते हैं ना कि आम जिंदगी में कैंसर का कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं, कोई इलाज नहीं, उसी तरीके से इस गेंद का भी कोई जवाब नहीं, इस गेंद का भी कोई इलाज नहीं, केवल वहां पर टैप किया, केवल वहां बचाव करने का प्रयास किया और इस दरमियान एक रन चुराते हुए शरद शेट्टी स्ट्राइक पर आते हुए। पांडे सर दौर बदला है, अब कैंसर का भी इलाज आ चुका है। युवराज सिंह को कोई नहीं बोल सकता, कैंसर से जूझ रहे थे लेकिन फिर से एक बार फाइट किया, स्ट्रगल किया और जरूर मनी मैटर करता है। यस संकेत पाटिल जी बता रहे हैं मनी मैटर करता है। देखिए इलाज तो बिल्कुल सभी चीजों का लगभग लगभग आज नहीं तो कल आता है। यहाँ चिकी सिंगल लेना चाहते थे रनआउट के जरिए, गिरीश बोरा आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे हैं, लेकिन आपने युवराज सिंह की बात की, युवराज सिंह के वो दिलेर खिलाड़ी थे, उनके पास वो जज्बा था, उनके पास वो जुनून था। देखिए आप किसी भी खेल को खेलते हैं आपके पास जुनून होना बहुत आवश्यक, पागलपन होना चाहिए आपके पास, किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, चुनौतियों को एक्सेप्ट करने की आपके पास वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। वही उस खिलाड़ी के पास था। 2011 का वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऐसे नहीं बना, कई वहां पर उन्होंने इनिंग्स को खेली, जो मैच हाथ से जा रहा था उस मैच को भी भारत के खेमे में पलट दिया। जरूर जरूर यहां पर प्रशंसा करेंगे और एक प्राउड है जरूर भारत का युवराज सिंह, एक बड़ा इतिहास उन्होंने कीर्तिमान रच के अपने भारत को अलविदा किया और क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास लिया और आज भी जरूर। अब उनका एक डायलॉग फेमस है कि जब तक आपका बल्ला चलता है तब तक आपका थर्ड है, अगर बल्ला नहीं चलेगा तो जरूर आप बेंच पर दिखाई देंगे। विनोद जी एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं जब भी रॉयल सनर का मुकाबला, आज रॉयल सनर यहाँ पर थोड़ा सा बिखरा हुआ है खिलाड़ियों के मामले में, खिलाड़ी इधर इधर हुए हैं अलग अलग टीम में, लेकिन उनके जब ओनर को मैं देखता हूँ किसी भी प्रकार का टूर्नामेंट हो, उनके ओनर जो है श्री हर्षद काजी जी वो सभी जगह पहुंच जाते हैं, वो सभी जगह अपनी टीम का हौसला अफजाई करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त उनका ये मैं देखता हूँ ना, ये खिलाड़ियों के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात होती है और मेरी यही गुजारिश है कि जितने भी ओनर्स हैं वो इसी तरह से यही नहीं बादशाह में ही नहीं बादशाह के बाहर भी अगर जो भी टूर्नामेंट होगा, बादशाह की तो अपने आप में एक बड़ी यूं कहा जाए एक जबरदस्त इतिहास के पन्नों में ये कहानी लिखी गई है बादशाह प्रीमियर लीग के सौजन्य से। यहां पर रडार में ये गेंद और उठाकर खेल दिया इस गेंद को, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। शरद शेट्टी एक बार फिर से फॉर्म में आते हुए इस सिक्सर की बदौलत छक्का लगा जरूर, 194वां छक्का ये और इस छक्के के सहारे टीम की रन संख्या पहुंच चुकी
68 रनों पर 69 रनों का लक्ष्य रखा गया है। क्या होगा इस मुकाबले में, सुपर सिक्स का यह दूसरा मुकाबला जब जैसे ही शुरुआत होगा आपके समक्ष उपस्थित होंगे संकेत पाटिल, ये आंखों देखा हाल लेकर कि रॉयल स्टनर बी यहां पर संघर्ष करेगी क्या बिल्कुल आसान से विजय द्वार तक पहुंचेगी। लेते हैं एक छोटा सा डीजे ब्रेक। दर्पण पाटील मैन फ्रॉम नवघर, त्याला प्लीज विनंती करतो की आमच्याशी जरा संपर्क साधायचा आहे। तर सामना सुरू आहे, 30 चेंडू मध्ये 69 धावांचं लक्ष्य आहे आणि निश्चितच रॉयल स्टनर बी संघ ही धावसंख्या करेल का हा आता प्रश्न आहे। तुम्ही बघताय बादशाह प्रीमियर लीग आणि सुपर सिक्स मधला हा दुसरा सामना तुम्ही बघताय। पुढचा सामना यश रिद्धी वॉरियर्स आणि
शेखर शिंदे पैकर। चला कैप्टन ला मी रिक्वेस्ट करतो कि टॉस साठी या प्लीज। कैप्टन अपने कड़े वेळ आहे, आपण लगेच टॉस घेतोय। राकेश आपण टॉस करून घेऊया पुढच्या मॅचची। चला यशनिधी वॉरियर्स कैप्टन लवकर या। नितिन वारे आणि शेखर शिंदे पैकर्स कैप्टन। 69 टू विन, 30 चेंडू मध्ये 69 धावांचं लक्ष्य आहे। आणि बघा दोन्ही कर्णधार एकाच बाजूने येताना दिसतायत। आताच ही स्पर्धा सेटल करण्याचा विचार आहे किंवा काय माहिती नाही आम्हाला। चला टॉक्स बॉक्स मध्ये जे बसलेले आहेत त्यांना विनंती करतोय प्लीज तिकडून बाजवा। आमच्या मान्यवर तिथे येताना दिसतील आणि नाणेफेकसाठी भूप्या झाला विनंती करतोय की प्लीज आपल्या शुभ असते ही नाणेफेक करायची आहे। 5 षटकांचा सामना असेल या सामन्यात। आपण बघतोय रॉयल सनर बी संघासमोर 69 विजयासाठी आवश्यक धावसंख्या आहे। भाषा प्रीमियर लीग 2022 तुम्ही बघताय। दुसरा सामना सुरू आहे, तीसरा सामना कोणता तर येस एका बाजूला संघ आहे तो म्हणजे यश रिद्धी वॉरियर्स नितीन वारे यांचा संघ, स्वतः कर्णधार सुद्धा आहेत ते। तर दुसऱ्या बाजूला शेखर शेवंदे यांचा संघ एस एस पॅकर्स या नावाने ते खेळताना दिसतील। आणि निश्चितच आपण बघतोय हॅलो दोन्ही संघांना आम्ही हार्दिक शुभेच्छा देतोय। भूप्या दादा यांच्या कोण कॉल देते यशनिधी वॉरियरचे कर्णधार कॉल देत आहेत। हेड इज द कॉल आणि मात्र आले टेल, त्यामुळे नाणेफेक जिंकले ती म्हणजे शेखर शिंदे पॅकर संघानं। आणि भूपेदाला विनंती करतोय की आपण असं नसतं व्हायचंय, जास्त काही विचारणार नाहीये मी। 5 षटकांचा सामना आहे, आपण ज्या पद्धतीने तुम्ही पहिला सामना जिंकला 3 षटकांचा, तुमचे हौसले बुलंद असतील, काय निर्णय असेल? शतरक्षण करू आणि निश्चितच 5 षटकांचा सामना, पहिला सामना आपण 3 षटकांचा खेळलो होतो। निश्चितच स्ट्रॅटर्जी तुम्हाला चेंज करायला लागतील, मात्र 17 खेळाडूंमधून तुम्हाला जे हवेत ते खेळाडू तू घेऊ शकशील। तुमचा स्क्वॉड रेडी आहे का? यस रेडी आहे। आणि निश्चितच समोरचा संघ तुम्हाला माहिती आहे, एक अफलातून त्यांनी यश मिळवलं, 3 सामने जिंकले होते, त्यामुळे काही दबाव वगैरे असेल का तुमच्यावर? नाही दबाव वगैरे काही। थँक्यू व्हेरी मच। तर वळूया यश रिद्धी वॉरियरचे कॅप्टन नितीन वारेकडे। नितीन जास्त काही विचारणार नाही आहे, स्पर्धेविषयी निश्चितच 2 शब्द तू सांग। स्पर्धेविषयी जेवढं बोलेन तेवढं कमी आहे। थँक्यू व्हेरी मच। तर सेंटर न्यूज अशी आहे, शेखर शिंदे वन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। थँक्यू। चला 30 चेंडू 69 धावा, रॉयल स्टनर हा सामना जिंकणार का बघूया। तर आणखीन एक मोठी खुशखबर येते मीरा भाईंदरच्या क्रिकेट रसिकांसाठी, यो यो बॅट वर्कशॉप, यो यो शॉन बॅट वर्कशॉप हे वर्कशॉप आपण बघतोय उत्तनच्या पालीबंदर इथे सुरू झालंय, त्यामुळे 17 तारखेपासून ते सुरू होतंय। त्यामुळे ज्यांना कोणाला आपापल्या बॅट्स रिपेअर वगैरे करायच्या असतील तर निश्चितच यो योच्या वर्कशॉपमध्ये तुम्ही नक्की संपर्क साधू शकता, शॉनशी संपर्क साधू शकता तुम्ही। धन्यवाद। चला 30 चेंडू 69 धावा, काय अफलातून क्रिकेटर क्रिकेटपट दाखवलं आपल्याला पहिल्या सामन्यात आपण बघितलं। निश्चितच जबरदस्त क्रिकेट बघितलं, कंधारी किंग्ज हा संघ विजयी होता 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 शेवटच्या मोमेंटला तो विजयी होता होता राहिला आणि रॉयल स्टनर ए संघानं पुढे चाल केलेली आहे, अंतिम 3 मध्ये तो पोहोचलाय। यावेळेला रॉयल स्टनर बी संघ झगडतोय। 30 चेंडू 69 धावांची गरज आहे। आघाडीची जोडी मैदानात आहे, एका बाजूला आमिर दाफेदार, नॉन स्ट्राइक एंडला आपण बघतोय तो म्हणजे दानेश। आघाडीचा गोलंदाज येतोय गिरीश बोरा, या मुलानं जबरदस्त इम्प्रेसिव्ह कामगिरी केलंय, गोलंदाजी असो किंवा फलंदाजी या दोन्ही मध्ये गिरीशनं अप्रतिम कामगिरी केलंय। आलेल्या तमाम प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा बादशाह प्रीमियर लीग 2022 मध्ये पहिलं पर्व आहे सीझन 1 मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। तुम्ही बघताय आजच्या दिवसातील 19 सुपर 6 मधील हा दुसरा सामना आणि या दुसऱ्या सामन्यात कोण जिंकणार। अगोदर फलंदाजी करताना जे जे स्पोर्ट्स संघानं 68 धावा जमवल्या, 69 धावांचं लक्ष्य आहे। गिरीश टू आमेर, पहिला चेंडू लो फुल टॉस डिलिव्हरी, 8 गॉन माइल्स
आलाय षटकार डीजे जाऊ दे चला डीजे वाजणार नाही मात्र षटकार तर आलाय षटकारानं 195 षटकार आतापर्यंत या मालिकेत पूर्ण होत आहेत अप्रतिम कामगिरी वेल प्लेड आणि 69 धावा या जरी मोठ्या दिसत असल्या तरी देखील आम्ही रेडी आहोत आमिरनं पहिल्या चेंडूवर दाखवलंय येस आय एम रेडी स्वतः कर्णधार आहे आणि कर्णधार सगळी सूत्र आपल्या हातात घेताना दिसतोय क्लासिक एन्काउंटर या सामन्यात देखील होणार सुपर सीजचा हा नॉकआउट राऊंड म्हणजे काय तर जवळजवळ सेमी फायनल असं आपण म्हणू शकतो पहिल्याच चेंडूवर इथे षटकार आलाय गिरीशवर आक्रमण केलं जात आहे आणि गिरीशला अशा ट्रीटमेंटची सवय नाही मात्र काय करणार करोया मरोसिद्धी आहे त्यामुळे अशी ट्रीटमेंट तर मिळणारच बघा पहिल्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर लगेच जबरदस्त थिंक टँक यूज केली जात आहे एका बाजूला शरद शेट्टी दुसऱ्या बाजूला जोनास दोन लीजंड खेळाडू मात्र विचार करतील की गिरीशला पुढचा चेंडू कसा टाकावा लागेल इथे जे जे स्पोर्ट्स संघाची गोलंदाजी जर बघितली तर अप्रतिम झाले या मालिकेत आतापर्यंत श्याम गुप्ता असो गिरीश बोरा असो त्यानंतर आपण बघितलं अरसलान खोत असो अतिशय चांगली गोलंदाजी झालंय यावेळा चेंज ऑफ पेस आहे फलंदाज बाद होणार एक तेरी एक बेरी काय सामना सुरू आहे डीजे आहेस का मित्रा काय गाणं वाजवलंय आता मला असं प्रामाणिकपणे वाटतंय की आमचा डीजे वाला जेवून आलाय कसा वाटला लेमन भात लेमन राईस नाही लेमन भात पहिल्या चेंडूवर षटकार दुसऱ्या चेंडूवर गडीबात तिसऱ्या चेंडूवर काय होणार आमच्या डगआउट मध्ये आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये एकच ऑक्टोपस आहे जो भविष्यवाणी करतो तो म्हणजे आमचा टीसीपी लाईव्हचा महेंद्र भगत कारण आतापर्यंत ज्या ज्या गोष्टी त्यांनी सांगितल्यात त्या त्या गोष्टी खरं ठरल्यात त्यामुळे तिसऱ्या चेंडूवर काय होणार महेंद्र भगतला विचारावं लागेल स्ट्राईक एंडला नवीन फलंदाज इस्रार खान बाबू या मालिकेत अफलातून कामगिरी सुरू आहे तिसऱ्या दिवसाचा आपण बघितलात मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेअर प्लेअर ऑफ द डे ठरला आहे तो म्हणजे इस्रार खान चौथ्या दिवशी तो काय करेल गिरीश बोरा वर्सेस बाबू क्षेत्ररक्षात वारंवार बदल केले जात आहेत ओ दॅट्स अ ग्रेट इट दॅट्स अ ग्रेट इट चेंडू येतोय सीमा रेषेच्या बाहेर वन बाउन्स चार धावा आणि काय महेंद्र भगत यांनी सांगितलं होतं की यस चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर येणार आणि तो चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर येतोय काय माणूस आहे बघा लवकर या हात दाखवा 25 रुपये एक हात दाखवण्याचे सरनेम काय त्यांचं महेंद्र भगत कारण बघा हा सगळा अनुभव आहे रोज जर टीसीपी लाईव्हच्या माध्यमातून कुठे ना कुठे मॅच असतात कित्येक वेळा त्यांची नजर फक्त क्रिकेटवर असते हा अनुभव आहे गिरीश बोरा बाबू साडे यावेळा अपील केलं जात आहे मात्र पंच दर्शवतात की आउटसाइड ऑफ स्टंप डिलिव्हरी आहे चेंडू मात्र इथे निर्धाव जाणार संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 10-4 चेंडू संपले जबरदस्त बॅटल बघायला मिळणार 30 चेंडू मध्ये 69 धावांचं लक्ष आहे पहिल्या 4 चेंडूत आले 10 धावा इक्वेशन काय सांगतंय येणारे अजून या षटकातील 2 चेंडू आणि नंतरची 4 षटक म्हणजे 26 चेंडू आणि 59 धावांची अजूनही गरज आहे मी आयोजकांचं मनापासून कौतुक करेन राकेशचं जितूचं उदयचं राजू पाटील यांचं अफलातून व्यवस्था त्यांनी इथे केलं आहे आणि आमचे सगळे जे व्हॉलंटियर्स आहेत त्यांनी देखील अप्रतिम काम आपलं सुरू ठेवलं आहे मिस टाइम स्ट्रोक आपल्याला बघायला मिळतोय चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये गुड बॉलिंग बाय गिरीश बोरा चांगलं कमबॅक केलंय चेंडू इथे निर्धाव येतोय बॅटल तर रंगणार एका बाजूला आहे जे जे स्पोर्ट्स व्हॅली रॉड्रिकचा संघ तर दुसऱ्या बाजूला आपण रॉयल स्टनर बी संघ बघतोय शहबाज शेख यांचा हा संघ 12 टीम्स 12 ओनर डॅट्स अ गुड हिट गॅप मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय प्रशांत किणी येतोय अफलातून क्षेत्ररक्षण
नक्कीच इथे तीन धावा जवळ जवळ वाचवलेत प्रशांत. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, पहिले षटक संपलंय, धाव संख्या 11, गडी बाद 1. त्यामुळे निश्चितच महत्वपूर्ण कामगिरी सुरू आहे दोन्ही संघादरम्यान, कारण 69 धावा ज्या वेळा करायच्या होत्या आस्किंग रनरेट कडे जर विचार केला तर निश्चितच जवळजवळ 13 धावा प्रति षटकामागे, आणि असं असताना निश्चितच 11 धावा इथे बनत आहेत. त्यामुळे अजूनही सामन्यामध्ये बॅलन्स आहे, शेवटचे 24 चेंडू आणि आता 58 धावांची गरज, म्हणजे आस्किंग रनरेट रिक्वायर्ड रनरेट्स कडे जर लक्ष केलं तर जवळजवळ 15 धावा प्रति षटकामागे कराव्या लागतील. काय बॅटिंग केली जोनसनं, काय बॅटिंग केली आपण बघितलं तर ती म्हणजे मुनाफनं, आणि शॉननं देखील आपली जबरदस्त बॅटिंग दाखवली. या तिघांच्या बॅटिंगच्या जोरावरच ही धावसंख्या 70 जवळ दिसते, आणि एक जबरदस्त जोनस 18, शॉन 18 आणि मुनाफ 17 या तिघांनी जबरदस्त कॉन्ट्रीब्युशन केलं, आणि म्हणून ही धावसंख्या 68 दिसली. 69 धावांचं लक्ष आहे. तुम्ही बघताय बादशाह प्रीमियर लीग 2022 हे पहिलं पर्व. तीन पारितोषिक आहेत, प्रथम क्रमांक, द्वितीय क्रमांक आणि तृतीय क्रमांक, तसेच उत्कृष्ट गोलंदाज, फलंदाज आणि एकूणच मालिकावीर याच्यासाठी देखील किताब देणार येणार आहेत. नवीन गोलंदाज येतोय शरद शेट्टी, काल अप्रतिम, परवाच्या दिवशी अप्रतिम कामगिरी झाली होती. मात्र एक गोष्ट मला थोडीशी खडकली जे जे स्पोर्टच्या बाबतीत, की श्याम गुप्ताला त्यांनी थोडस मागे पाठवलं. एनिवे, मात्र तो काल सरलाय, धावसंख्या चांगली झाले. इस्रार खान, आईज ऑन इस्रार खान, स्टनर संघाची डोळे इस्रार खान वर असतील. धावसंख्या 11 झाली आहे, जास्त वेळ वाया जातोय. शरद शेट्टी गोलंदाजी मार्क वर येतोय, शरद वर्सेस इस्रार. यावेळा टप्प्यापर्यंत हलकासा चेंडू बाहेर वळतोय, चेंडू अतिशय योग्य आहे, कट करण्याचा कोणताही प्रयत्न नाहीये, चेंडू लेफ्ट केलाय, चेंडू निर्धाव जाणार. एक्सपिरियन्स ऍट इज बेस्ट असं म्हटलं जातं, आणि तोच एक्सपिरियन्स पुन्हा एकदा कामी येतोय शरद शेट्टीच्या. कित्येक वर्ष सातत्याने क्रिकेट क्रिकेट आणि फक्त क्रिकेट. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच डिलिव्हरी, उडवलाय चेंडूला, खराब स्ट्रोक, इस्रारला परतावं लागेल. हा जेल सोपा होता, मात्र थोडासा वेगळा बनवला श्यामनं, कदाचित त्याला प्रेक्षकांना काहीतरी वेगळं दाखवायचं असेल, मात्र हा जेल झालाय, इस्रारला परतावं लागतंय. डीजे खाणी उडे कुठे नवकर गावाचं गाणं लाव. गडी बाद 2, धावसंख्या 11, नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये अजय पाटील. अजय आणि दानिश ही जोडी आता महत्वपूर्ण असेल रॉयल स्टनर बी संघासाठी. बघा, अजय लगेच मैदानाच्या आतमध्ये गेलाय, आणि अँडी दुबई रिटर्न अनिकेत वगळ यांच्या मार्फत पारितोषिक आलंय. अजयनं कुठल्याही पद्धतीने जर 3 षटकार ठोकले तरी सुद्धा 500 दिराम देण्यात येतील. हँडीचं हाट वरती यायचं, 500 दिराम, 500 × 18 21 झालेत. यावेळेला आपण बघतोय स्टायलिश फटका बघायला मिळतोय दानिशच्या बॅट मधून षटकार, सुपर्ब शॉट वापर केला, विथ द ब्रेक खेळले, डीप मिडविकेटच्या डोक्यावरून आलाय षटकार. त्यामुळे एक तेरी एक बेरी ते गडीबाद झालाय, मात्र दानिशने दाखवलंय की येस आय एम हियर. हा या षटकारनं संघाची धावसंख्या पुढे सरकते, ती जाऊन पोहोचते 17 सामोरा जातो, आणि षटकार ठोकलाय वेल प्लेट दानिश. दानिशचा जर टास्क बघितला तो एक्झॅक्टली कुठे उभा आहे टीसीपी लाईव्हच्या माध्यमातून जर बघितलं तर तो जवळजवळ, का बोललो मी, का बोललो की तो कुठे उभा आहे. खराब डान्स आणि त्याचा उपयोग इकडे केलाय तो म्हणजे शरद शेट्टीनं. इट्स अ बॅड क्रिकेट, मी म्हणेन बॅड क्रिकेट आहे, काही एक गरज नाही या क्रिकेटची. अगोदर षटकार ठोकलाय त्यामुळे इतकं अंडर एस्टिमेट करण्याची गरज नाहीये, आणि तुम्ही अंडर एस्टिमेट कोणाला करताय, शरद शेट्टी एक्सपिरियन्स जास्त आहे. वेल बोल्ड शरद.
बात कसा झाला, एक तर तो सातव्या स्टंप वर उभा होता, त्यानंतर ज्यावेळेला चेंडू रिलीज झाला त्यावेळेला त्यांनी तो खेळला सुद्धा नाही आणि चेंडू आपण बघतोय मधली यष्टी उद्ध्वस्त केली आहे. खराब जेस्चर इथे दानिश मार्फत. आणि या वेळेला जे जे स्पोर्ट्सचा बगळा ऍक्टिव्ह होतोय. नवीन फलंदाज मैदानात ब्रिजन जातोय. थँक्यू व्हेरी मच व्हॅली. व्हॅलीने आज 17 स्क्वॉड ने 18 स्क्वॉड आणलाय, कारण त्यांचा 18 खेळाडू अँड्रो एकटा समर्थ आहे. मात्र त्याची तारीफ त्याला ऐकायला जाईल की नाही हा मोठा प्रश्न आहे. एनिवे वळूया सामन्याकडे. आतापर्यंत 17 धावा झाले, 3 गडी बाद आणि ही एक मोठी डोकेदुखी आहे, कारण 3 गडी बाद झालेत. आता ही जोडी ब्रिजेन आणि अजयला एकूणच सामन्याची सूत्र आपल्या हातात घ्यावी लागतील. शरदसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक अँड्रूज यांच्या मार्फत न बोलता सांगून गेलाय. एवढा हलक्या हाताने चेंडूला टर्न केलाय ऑन साइडला, चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतंय. एकाच धावर समाधान. ब्रिजन स्वतःचं खातं खोलतोय, संघाला नेऊन ठेवतोय 18 या धाव संख्येवर. अजूनही 51 धावांचा आहेर टाकावा लागेल. 19 चेंडू आणि 51 धावांची गरज रॉयल स्टनर बी संघाला विजयासाठी. सगळ्या अशा अपेक्षा असतील त्या म्हणजे अजय पाटील कडून. क्षेत्ररक्षणामध्ये पुन्हा एकदा बदल येतोय. अजय आल्यानंतर ऑन साइड पॅक करण्याचा विचार आहे, कारण आपण बघतोय हे षटक जर बघितलं तर दुसरं षटक सुरू आहे, पॉवर प्लेचं षटक सुरू आहे. त्यामुळे निश्चितच आतापर्यंत या 11 चेंडूमध्ये 18 धावा झाल्या आहेत. मात्र ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक जर बघितले तर 3 क्षेत्ररक्षक तुम्हाला ऑन साइडला दिसत आहेत. डीप स्क्वेअर लेग, त्याच्यानंतर ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन आणि लॉन्ग ऑन, असे 3 क्षेत्ररक्षक तुम्हाला ऑन साइडला डीपमध्ये दिसत आहेत. शरद पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. शॉट फाईन लेगला आपण बघतोय व्हॅली यांना. शॉट ऑफ लाईन डिलिव्हरी आहे, इथे कंट्रोल नव्हता मात्र तरी देखील फक्त 2 धावा मिळते. संघाची धावसंख्या 20 वर जाऊन पोहोचली. षटक संपलेले 2, धावसंख्या 20. धावसंख्या राखायची होती जवळजवळ 26-27 पर्यंत, मात्र संघ अजूनही मागे आहे, कारण आता 18 चेंडू आणि 49 धावांची गरज आहे. आणि आमचे गुणलेखक सूरज सांगतायत की येस, गेल्या कित्येक सामन्यात 18-49, 18-44, 18-42, 18-46 असे आकडे आम्ही या मालिकेत पाहिलेत. त्यामुळे आता शेवटचे 18 चेंडू आणि 49 धावांची गरज आहे. थँक्यू सूरज, थँक्यू TCP. स्कोर्स ट्रेंड बघा अफलातूनरित्या दाखवत आहेत. ज्या गुलाबी रेषा तुम्हाला दिसतील ऑन स्क्रीनवर तो आहे भाई जे जे स्पोर्ट्सचा संघ, आणि ग्रीनवर आहे तो म्हणजे रॉयल स्टनरचा आहे, कारण प्रत्येक संघाचा जो ड्रेस कोड आहे तो ड्रेस कोड इथे निश्चितच अफलातूनरित्या दाखवला जात आहे. वेल डन महेंद्र भगत. नवीन गोलंदाज पुन्हा एकदा गिरीश बोरा येणार. येस, जे जे स्पोर्ट्स संघाला पूर्ण कल्पना आहे. गिरीशला आपण लगेच जर आणलं इथे जर 1-2 गडी बाद केले तर रॉयल स्टनर बी संघावर दबाव येणार. मात्र ब्रिजेनला आणि एकूणच अजयला या सामन्यात अफलातून बॅटिंग करून द्यावे लागेल, कारण 18 चेंडू आणि 49 धावा. आता सरासरी जर बघितली तर तब्बल 16.33 वर जाऊन पोहोचलाय. रिक्वायर्ड रन रेट एवढा मोठा झालाय. याचा अर्थ काय तर एका षटकामध्ये 2 मोठे फटके मारावेच लागतील. काय करेल ब्रिजेन, काय करणार अजय पाटील, प्रश्न आहे. रॉयल स्टनर बी की जे जे स्पोर्ट्स. जे जे स्पोर्ट्सचा संघ वेळ घेतोय, निश्चितच त्यांना पूर्ण कल्पना आहे हा सामना जिंकणं किती महत्वाचा आहे. अंतिम 3 मध्ये जाण्यासाठी ही संधी आहे त्यांच्याकडे. वेल बॉल, 40 फटका बघायला मिळतोय. फ्लिक केलाय स्क्वेअर पंचांच्या बाजूला, एकदा पुढे द्या. प्रशांत किनी भरपूर वेगाने येत आहेत. गुड कलेक्ट अँड थ्रो, एकच धाव. जी गोष्ट बॅटिंगने झालं नाहीये ती गोष्ट क्षेत्रक्षणामध्ये भरून काढण्याचा प्रयत्न, कारण या मालिकेत प्रशांत जर बघितला पहिल्या सामन्यात 45 धावा, दुसऱ्या सामन्यात 0 बाद, त्यानंतर देखील मोठी धावसंख्या करू शकला नाहीये तो, आणि या सामन्यात देखील तो भरपूर लवकर बाद झालाय. गिरीश बोरा टू अजय.
गोयल बोल्ड, वेल बोल्ड, यॉर्क डिलिव्हरी होती, तितका स्टायलिश फटका बघायला मिळतोय. मात्र जास्त धावा मिळणार नाहीये. श्याम गुप्ता ऍक्टिव्ह आहेत तिथे. एकाच धावर समाधान. या षटकातील पहिले दोन चेंडूवर आलेत फक्त दोन धावा. सरासरी वाढत चाललंय, प्रेशर क्रिएट होत चाललाय. मात्र हा प्रेशर कसा चेंज होणार, कोण असेल तो खेळाडू रॉयल स्टनर बी संघासाठी, वक्त बताएगा. ग्रीश यावेळेला मात्र आपण बघतोय टप्प्यापर्यंत हलका चेंडू बाहेर सोडून दिलाय. मात्र इथे लेफ्ट केला होता, चेंडू जास्त बाहेर रीच झालाय असं पंच दर्शवत आहेत. अवांतर दाव येते आहे, थोडासा शोल्डरचा वापर करण्यासाठी गेले. अक्रॉस जी ऍक्शन आहे बोराची, त्यामुळे चेंडू इथे निर्धाव जाणार नाहीये. अवांतर धाव, धाव संख्या 23. नाही आलो फुल टॉस डिलिव्हरी डाऊन द ग्राउंड. चांगला फटका आहे मात्र जास्त धावा मिळणार नाहीये. एकाच धावर समाधान. गुड बॉलिंग. मात्र एक खेळाडू थोडासा दोन्ही संघाच्या बाबतीत थोडासा टेन्शन मध्ये आहे. सपोर्ट करायचा तर कोणाला करायचा, जे जे स्पोर्टला करायचा की रॉयल स्टनर बी ला करायचा? तो खेळाडू आमच्या मागे उभा आहे, त्याचं नाव मी रिव्हील करेल. गिरीश यावेळेला जोरका चेंडू, मात्र यस नो बॉल आहे. कारण जी रेषा आहे त्या रेषेला, ती रेषेची वेस ओलांडून जाणार हा चेंडू. नो बॉल आहे आणि फ्री हिटचा सुद्धा फटका असेल, त्यामुळे नुकता फटका आहे. अजयसाठी सुवर्ण संधी आहे. तर मगाशी जी गोष्ट सांगितली की टेन्शन मध्ये आहेत आमिर शेख, बटला या नावानं प्रसिद्ध आहेत ते. गिरीश टू अजय फ्रेट, स्ट्रोक व्यवस्थित आहे. मात्र किती धावा मिळणार? चार धावा. एखादी गोळी सुटावी असा चेंडू रीच होतोय. फ्रीट वर आले चार धावा, त्यामुळे संघाची धाव संख्या वाढणार, जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 29 वर. म्हणजे अजूनही एक्झॅक्टली 40 धावांची गरज आहे विजयासाठी. हा सामना अजूनही ऑन आहे. शेवटचे 14 चेंडू आणि 40 धावांची गरज. अजयला उभं राहावं लागेल, कारण अजयचं उभं राहणं तिथे रॉयल स्टनर संघासाठी महत्वाचं असेल. कारण येणारी दोन षटक अजून संधी असेल त्यांना. 14 चेंडू 40 धावांची गरज. जे जे स्पोर्ट्स वर्सेस रॉयल स्टनर बी हा सामना. पुन्हा एकदा सज्ज आहे गिरीश बोरा कलावती टेम्पल एंड कडून. अजय साडे, ओ दॅट्स अ गुड षटकार. अजय पाटीलच्या बॅट मधून आला षटकार. रॉयल स्टनरची रॉयल कामगिरी. संघाची धाव संख्या 35. 13 चेंडू, आता 34 धावांची गरज आहे. डीजे हिरा चेंडू 34 धावा. अजयनं मॅच ऑन केलंय. लो फुल टॉस डिलिव्हरी, आणखीन एक दमदार फटका. श्याम उभा आहे तिथे. एक धाव मात्र मिळणार, एक धाव मात्र मिळणार. संघाची धाव संख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 36 वर. त्यामुळे शेवटचे 12 चेंडू आणि 33 धावांची अजूनही गरज आहे. घेऊया एक डीजे ब्रेक. तर मी माझी जी गोष्ट सांगितली 12 चेंडू आणि 33 धावांची गरज आहे. यो यो शॉन बॅट वर्कशॉप उत्तनच्या पाली येथे सुरू होतं येत्या 17 तारखेपासून. तर येस बॅट रिपेअरिंग वर्कशॉप तुम्हाला तिथे नक्कीच पाहायला मिळेल. शॉनला तुम्ही संपर्क साधू शकता. कैलास पाटील यांनी आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवली, धन्यवाद. 12 चेंडू 33 धावा. अजय ऑन फायर. 7 चेंडू मध्ये नाबाद 14 धावा. तर ब्रिजन 3 चेंडू 3 धावर खेळतोय.
अजयने जर 3 षटकार ठोकले तर 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे अनिकेत वगळ अँडी यांच्या मार्फत. गोलंदाजी मार्कवर येतोय. येस अर्सलान खोत येतोय आणि अर्सलान खोत यांच्याकडे जर बघितलंय मला त्यांच्या वडिलांची आठवण झाली. मला वाटतं त्यांच्या वडिलांचं नाव मला एक्झॅक्टली माहिती नाही मात्र खोत जे भाईंदर भाऊच्या संघातून खेळायचे आणि आज ते नक्कीच एजाज खोत राईट ओके थँक्यू व्हेरी मच. एजाज खोत यांचाच हा चिरंजीव अर्सलान खोत आपल्याला गोलंदाजी मार्कवर दिसेल आणि निश्चितच मोठी प्राऊडची बाब आहे की आज त्यांचा मुलगा देखील अप्रतिमरित्या इथे कामगिरी करतोय. चला शेवटचे 12 चेंडू 33 धावांची गरज. अजय पाटील वन मॅन शो ठरेल का रॉयल स्टनर बी संघासाठी. येस एजाज खोत येस नक्कीच अप्रतिम गोलंदाज होते अशी आम्हाला माहिती मिळते राजू पाटील यांच्या मार्फत. शेवटचे 12 चेंडू 33 धावांची गरज रॉयल स्टनर वर्सेस जे जे स्पोर्ट्स. पहिला चेंडू डेड ऑन स्पॉट आहे. पहिला चेंडू डेड ऑन स्पॉट आहे. चेंडू जातो निर्धाव जागेवरून सेट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. 11 चेंडू 33 धावा. गणित काय सांगतायत. 1 चेंडू आणि 3 धावा. प्रत्येक चेंडूवर 3 धावा असं गणित आलंय. अस्लान टू अजय शॉर्ट पिच डिलिव्हरी चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप आहे का. यस आहे. व्हाईटचा इशारा. व्हाईटचा इशारा सुद्धा झाला इथे. अवांतर धाव थोडासा शोल्डरचा वापर अर्सलान करताना दिसतोय. फिजिकली साऊंड खेळाडू आहेत आणि एक गोष्ट दिसलंय या कोरोना काळामध्ये अनेक खेळाडूंनी आपला फिटनेस सुधरवलाय. दॅट्स अ गुड एट. मात्र हा चेंडू रिच होणार का. यस होणार. अक्षय पाटील यांनी हा जेल टिपलाय मात्र सीमा रेषेच्या बाहेर आला षटकार. वेलकम सिक्स फॉर रॉयल स्टनर बी डीजे. व्हेरी मच. शेवटचे 10 चेंडू आणि 26 धावांची अजूनही गरज आहे. आतापर्यंत अजयच्या बॅट मधून आले 2 षटकार. अजून एक षटकार मारला तर अँडीचे 500 रुपये त्याच्या खिशात असतील. दहा चेंडू 26 धावा. अर्सलान वर्सेस अजय. मिस टाइम स्ट्रोक हा जेल होणार का. जोनास आहे जेल झालाय. अजयला परतावं लागतंय. अर्सलाननं ही लढाई जिंकलंय त्यामुळे निश्चितच जे जे स्पोर्ट्स संघ पुन्हा एकदा या सामन्यामध्ये. शेवटचे 9 चेंडू आणि अजूनही 26 धावांची गरज. अजून एक चांगला खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये जुनेद चावगुले. अर्सलाननं हा गडी बाद केलाय. महत्वपूर्ण गडी बाद झालाय. अजय बाद झालाय. 20 धावा केल्या आपल्या संघासाठी. 2 षटकार ठोकले. 1 चौकार सुद्धा ठोकलाय. 8 चेंडू मध्ये 20 धावा. मात्र ऍट द एंड तो बाद झालाय. शेवटचे 9 चेंडू आणि 26 धावा. अजूनही या सामन्यात काही घडू शकतं. नॉर्थ स्ट्राईक एंडला जुनेद चौगुले आहे. आकर्षक कामगिरी राहिली या एकूणच मालिकेत. स्ट्राईक एंडला आहे तो म्हणजे ब्रिजन. अर्सलान वर्सेस ब्रिजन. अप्रतिम चेंडू इथे मात्र आपण बघतोय कदाचित ब्रिजनला विकेट फेकावी लागेल.
बहाल करावी लागेल कारण आपण बघतोय जुनेच मैदान असणं गरजेचं आहे. ब्रिजन बाद होऊन परतेल अजून एक धक्का रॉयल स्टनर बी संघाला. धावसंख्या 43 गडी बाद 5 झालेत. डीजे आठ चेंडू 26 धावा. न्यू बॅट्समॅन मयूर पाडेल नॉन स्ट्राइक एंडला. मात्र हे दोन महत्वपूर्ण चेंडू असतील. या दोन चेंडूवर रॉयल स्टनरला रॉयल कामगिरी करावी लागेल. तर दुसऱ्या बाजूला जे जे स्पोर्ट्स संघामधून अर्सलानला देखील अफलातून कामगिरी करावी लागेल. आठ चेंडू 26 धावांची अजूनही गरज आहे. प्रेक्षकांची संख्या वाढल्याय कारण येस यापुढचा सामना देखील तितकाच महत्वाचा आहे. एका बाजूला यश रिद्धी वॉरियर्स तर दुसऱ्या बाजूला शेखर शिंदे पॅकर्स. हा सामना असेल एकूणच सुपर सिक्स मधला तिसरा सामना तुमच्या समोर. ओ दॅट्स अ ब्युटी, दॅट्स अ ब्युटी बाय अर्सलान खोत. अफलातून कामगिरी सुरू आहे. प्राऊड फील होत असेल त्यांच्या वडिलांना आणि तितकंच प्राऊड फील होत असेल ते म्हणजे व्हॅली रॉड्रिक्सला की या मुलाला आपण आपल्या स्क्वाडमध्ये का घेतलंय. कारण बरोच आहे मित्रांनो आणि टीम सिलेक्शन करणं हे महत्त्वपूर्ण काम असतं आणि ऑप्शनमध्ये जे जे स्पोर्ट्स संघाच्या वतीनं निश्चितच चांगलं काम झालं आहे. वेल बोल्ड असलान खोत. फुल टॉस डिलिव्हरी आहे. ऑन साईडला ढकलून दिलाय चेंडू. इथे मात्र आपण बघतोय नो बॉल घोषित केलाय. जेल सुद्धा पडतोय. दोन धावा मात्र इथे पूर्ण होतील का? येस मयूर पोहोचलाय. एकूण 3 धावा फलकावर येतील. क्रुशियल मोमेंटला हा नो बॉल येतोय. बीमर होता हा आणि हा नो बॉल काय वेगळं करेल. फ्री हिट येणार त्यामुळे संधी आहे इथे जुनेज चौगुलेला या सामन्यामध्ये फरक पाडण्यासाठी. अजूनही हा सामना बघा 7 चेंडू आणि 23 धावा. टेन्शन या सामन्यात सुद्धा आहे. मागच्या सामन्यात सामन्यात सुद्धा टेन्शन होत आणि या सामन्यात देखील हा सामना देखील शेवटच्या चेंडू पर्यंत जाणार. 7 चेंडू 23 धावा. आणि जर इथे हा फ्रीडचा फटका आहे लक्षात घ्या. थोड्याच वेळात एक गोष्ट आम्ही तुम्हाला सांगू. काय शेवटच्या षटकात 22 धावा राहतील का? हा देखील एक प्रश्न आहे. मला वाटतं प्रत्येक वेळी जे आम्ही नारळ फोडलेत ना आयोजकांनी त्याच्यामुळेच एक सगळं काही घडतंय असं मला वाटतंय. मला प्रामाणिकपणे वाटतंय. थँक्यू आमच्या सगळ्या बादशाह कुटुंबियांचं. थँक्यू आमच्या आयोजकांचं. यावेळेला अफलातून शॉट. वॉट अ शॉट बाय जुनेद चौगुले. या आले 4 धावा. आता इक्वेशन काय आहे? शेवटचे 7 चेंडू आणि 19 धावा. डीजे वाजव. काय रील्सवर इन्स्टा रील्सवर हे गाणं गाजलं होतं आणि प्रत्येक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून घराघरात पोहोचलेलं हे गाणं. मात्र इथे परिस्थिती आहे 6 चेंडू आणि 19 धावा. याआधी 6 चेंडूत 22 धावा झाल्या होत्या. याआधी 6 चेंडूत 16 धावा झाल्या होत्या. याआधी मात्र आत्ता 6 चेंडूत 19 धावा होणार का हा प्रश्न आहे. जुनेद चौगुले नॉन स्ट्राइक एंडला
मयूर पाटीलचा अप्रोच काय असेल, तो मोठ्या पटकासाठी जाणार की सिंगल्स काढून स्ट्राइक देणार, लेट सी. दुसऱ्या बाजूला गोलंदाज कोण येतोय, मुन्ना, किशन मुन्ना गोलंदाजी मार्कवर येतोय, एक अफलातून टॅलेंट आहे. आणि येस, वॅली रॉड्रिक्स त्याच्याकडे आशेने बघतोय, कम ऑन मुन्ना, यू कॅन डू इट. सात चेंडूत 19 धावांची गरज आहे. एका बाजूला रॉयल स्टनर बी, दुसऱ्या बाजूला जे जे स्पोर्ट्स. बादशाह प्रीमियर लीगचा सुपर सिक्सचा प्रत्येक सामना अफलातूनच होणार. पुढच्या सामन्यामध्ये तुम्हाला काय बघायला मिळेल? एका बाजूला यश सिद्धी वॉरियर्स, खेळाडूंकडे लक्ष घातलं, हिरेन मात्रे प्लेयर टू वॉच, मिस्टर मॅकमिलन गोविंद, प्रतीक गाऱ्या, राज जैन, असे अफलातून खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतील. तर दुसऱ्या बाजूला एस एस पॅकर, शेखर शिंदे पॅकर्स कडे गेलं, प्रफुल्ल पाटील, स्वतः सतीश चव्हाण, असे टॅलेंटेड क्रिकेटपटू तुम्हाला पाहायला मिळतील. त्यामुळे बॅटल होणार, युद्ध होणार. एका बाजूला यश रशिया युक्रेन, तर दुसऱ्या बाजूला बादशाह प्रीमियर लीगचं युद्ध. चला, सात चेंडू 19 धावांची गरज. गोलंदाजीसाठी किशन मुन्ना, स्ट्राइक एंडला मयूर पाटील. सिलमिड ऑन लावण्यात आलंय. यावेळेला रनवे मध्ये मात्र चेंडू रिलीज केला नाहीये, चेंडू रिलीज केला नाहीये. ऍक्शन इथे पूर्ण झालेली नाहीये. दोन मोठे फटके रॉयल स्टनर बी संघाला या एकूणच सामन्यामध्ये आणून ठेवतील. दोन मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. मयूर कडे ती ताकद नक्कीच आहे. किशन, यावेळा मिस टाइम स्ट्रोक आहे, हा जेल होणार का? शरदनं जेल ड्रॉप केलाय, ही धाव देखील मोजली जाणार, कारण शेवटचे 5 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. मात्र सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, जुनेद चौगुले ऑन स्ट्राइक, कारण ज्यानं आतापर्यंत 6 धावा जमवलेत आणि तो मोस्ट व्हॅल्युएबल खेळाडू आहे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, रॉयल स्टनर बी संघानं जवळजवळ 24,000 पॉईंट देऊन या खेळाडूला आपल्या एकूणच भात्यात घेतलाय. त्यामुळे निश्चितच त्या व्हॅल्यूची कामगिरी जुनेद इथे करणार का, किंवा त्याला ती करावीच लागेल रॉयल स्टनर बी संघासाठी. इथे टेन्शन मध्ये आहे त्याचा 12वा खेळाडू, तो म्हणजे एका बाजूला आमिर शेख, तर दुसऱ्या बाजूला राईचा सौरभ. जे जे वर्सेस रॉयल स्टनर बी, व्हॉट अ मॅच. 5 चेंडू 18 धावांची गरज. गुड शॉट, षटकार. जुनेद ग्रीन होलिक, नाम ही काफी है. व्हॉट अ बॅटिंग. 12 धावांची गरज आहे. डीजे चार चेंडू 12 धावांची गरज. जुनेद ना आपला क्लास सुरू केलाय. यावेळेला स्ट्रोक चांगलाय, बघायचं किती धाव मिळतील. प्रशांत किणे आहे तिथे, वन बाउन्स वर अडवला जात आहे. वॉट अ थ्रो, एकच धाव. मात्र इथे स्ट्राईक सोडावं लागेल, ते म्हणजे मयूरला. जुनेदला स्ट्राईक वर येणं गरजेचं आहे. शेवटची आता 3 चेंडू आणि 11 धावांची अजूनही गरज आहे. मॅच ऑन आहे, सामना अजून संपलेला नाहीये. प्रेक्षकांना काय हवंय? शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना जाणं. जुनेद ऑन स्ट्राईक, 3 चेंडू 11 धावांची गरज आहे. सुपर सिक्स मधील हा दुसरा सामना, जे जे स्पोर्ट्स वर्सेस रॉयल स्टनर बी. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये शोएब पवार उतरतोय. 3 चेंडू आणि 11 धावा. मयूर पाटील बाद होत आहेत, मात्र त्याला विकेट सोडावं लागले, ती गरज होती. अप्रतिम सामने बादशाह प्रीमियर लीग मध्ये, प्रत्येक सामना अप्रतिम झालाय आणि त्याचं सगळं श्रेय
आमच्या या क्रिकेटपटूंना जात आहे. काय व्यासपीठ दिलं बादशाह प्रीमियर लीगनं, काय व्यासपीठ दिलं ते म्हणजे बादशाह कुटुंबियानं, काय व्यासपीठ दिलं जितू पॅकर्सनं, आणि त्या व्यासपीठाचा वापर सुरू आहे. फुलटॉस डिलिव्हरी आहे, चांगला गॅप मध्ये फटका आहे, अर्सलानचं चांगलं क्षेत्ररक्षण तिकडे. या दरम्यान आपण बघतोय दोन धावा पूर्ण होताना दिसतील, क्रुशल दोन धावा. संघाची धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 60 वर. चेंडू शिल्लक आहेत 9, धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक 2 सॉरी, धावांची गरज आहे 9. टेन्शन येणार, टेन्शन येणार, सर्वांवर आहे ते टेन्शन. कंपल्सरी 2 या 9 धावा कराव्या लागतील, लक्षात घ्या कंपल्सरी चेसचा नियम आहे आपला, त्यामुळे या 9 धावा कराव्याच लागतील. 2 चेंडू आणि 9 धावा. मात्र पहिल्या 2 चेंडू नंतर मी कौतुक करेन ते म्हणजे किशनचं, त्यांनी गोलंदाजी अतिशय डेप्थ मध्ये केलं आहे. आपण बघतो ब्लॉकहोल जे चेंडू असतात त्या चेंडू त्यांनी हाताळलेले आहेत, आणि जर जुनेदला अडकवायचं असेल तर या चेंडूंचा वापर त्याला करावा लागेल. किशन वर्सेस जुनेद, रॉयल स्टनर वर्सेस जे जे, बादशाह प्रीमियर लीगचा हा सुपर सिक्स हा दुसरा सामना. काय मॅच सुरू आहे, प्रेक्षक जे इथे उपस्थित आहेत एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या दोन्ही टीमसाठी. जबरदस्त ऊन सुरू आहेत, मात्र मॅच देखील तेवढीच गरम आहे. व्हॉट अ मॅच, काय येणार या चेंडूवर, चौकार की षटकार किंवा अजून काही. 2 चेंडू 9 धावांची गरज. यावेळेला पुन्हा एकदा रनवे मध्ये ते थोडीशी चूक, बघा प्रेशर हे असतंच. ज्यांना ज्यांना ब्लड प्रेशरचा त्रास आहे लवकर ब्लड प्रेशरची गोळी खा. दोन चेंडू 9 धावांची गरज. अप्रतिम चेंडू आहे, मात्र हा चेंडू आउटसाइड द ऑफ स्टंप लँड झालाय. एक चेंडू इथे निर्धाव होते, आता एक चेंडू आणि 9 धावा. जे जे स्पोर्टचे पाठी राखे, खुर्च्या उडवण्याची गरज नाही मित्रांनो. एक खुर्ची 850 रुपयाला आहे, खुर्च्या उडवू नका. एक चेंडू आणि 9 धावांची गरज आहे. पुढचा सामना यश रिद्धी वॉरियर्स वर्सेस शेखर शिंदे पॅकर्स. किशन यावेळेला येतोय एक मोठा फटका, षटकार येतोय, मात्र 2 धावांनी संघ पराभूत होतोय तो म्हणजे रॉयल स्टनर बी चा. अप्रतिम कामगिरी, वेल बोल किशन मुन्ना. जे जे स्पोर्ट्स अंतिम 3 मध्ये जातोय, सुपर 3 मध्ये जातोय, अभिनंदन तुमचं. आणि या पुढचा सामना लगेच आम्ही पुढे येतोय. चला मी विनंती करतोय ती म्हणजे रॉयल स्टनर बी संघाला की त्यांनी शेक हँड साठी पुढे व्हायचं आहे.